आ जाओ। ये सब क्या है रानी? ओ तुम ये सब मेरे लिए लाए हो? रिलैक्स नहीं शायद, रिलैक्स क्या तुम? तो फिर किसके लिए है? शायद ये झनक के लिए लेकर आए। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा सिंपल है, क्योंकि मैं झनक को यहाँ पे लेके आया हूँ। चलो चलो, जब पहली बार झनक यहाँ पे आई थी ना, सबको इससे प्रॉब्लम थी, लेकिन आप लोग जो लेके आए ना वो सब नकली है, सस्ते गहने। किसी लड़की की शादी में उसे नकली या सस्ते गहने तो नहीं दे सकते। व्हाट डू यू मीन? तुम झनक को असली सोना दोगे? खुद ही देख लो प्लीज। दिखाओ तो सारे जवाब क्या हम ही देंगे? और क्यों इतना खर्चा किया तुमने आने? कितनी बात है तुमसे? हाँ अभी तो जवाब दिया मैंने, बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हूँ मुझसे? मैं बस इतना कहने आया हूँ कि ये सब कुछ एक्सक्लूसिव भी झनक के लिए। मुझे तुम्हारी नींद नहीं चाहिए, दया दया दिखा रही हो मुझ पर? दादा ने तो लाइन क्या बोलती, तुम हम पर तरस खा रही हो? नहीं कोई तरस नहीं खा रही, ना ही दया दिखा रही हूँ आपको। इतनी काबिलियत है, अगर भगवान जी ने चाहा तो अपने पैसों से नया मोबाइल खरीद लूंगी। वैसे मानना पड़ेगा क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हो तुम? और क्या है हर्षी बैग में दिखाओ? लो आप खुद ही देख, डायमंड सेट अनी। Are you crazy अनी? तुम पागल हो गए हो? इसके लिए तुम डायमंड सेट लेकर आए हो? पागल वाली क्या बात है अर्शी? क्या कहते हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए और मुझे नहीं पता ये सर जी मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं, लेकिन अगर मुझे कोई जबरदस्ती कुछ दे रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी गलती कहाँ से दिखाई दे रही है आप सबको? और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये हार पहन के बदरिया लगूंगी तो नहीं पहनूंगी मैं ये, लेकिन एक इंसान बनकर अपनी हरकतों से लगता है कि यही कि झनक गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और अनिरुद्ध चाहता है कि वो गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बाकियों को झनक से प्रॉब्लम है और अगर वो गिफ्ट्स देंगे तो वो एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन अगर अनिरुद्ध दे रहा है तो वो दिल से देना चाहता है ताकि खफा तो शुरू से ही थे और मुझे लगता है थ्रू आउट ही खफा रहेंगे, क्योंकि अनिरुद्ध झनक के लिए बहुत कुछ करना चाहता है जो फैमिली को पसंद नहीं है, और उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है कि झनक को वो तोहफे दे रहा है उसकी शादी के लिए ताकि वो अच्छे से अपने ससुराल जा पाए, तो यही सीन था। आप प्लीज़ जिस तरह से झनक देख रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो प्लीज़ इसी तरह से करते रहो, और हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं हम भी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, जो मेरे हाथ में मैं वो करता रहूँगा, और बाकी तो विल सी। बहुत अच्छा लग रहा है टॉप थ्री में, और हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि कब टॉप टू या टॉप वन में जाएंगे। अगर गए तो सबको बहुत खुशी होगी, और अगर नहीं गए तो हमारी मेहनत ऐसे ही चलती रहेगी।